आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे, बच्चों के लिए हम चीनी का पराठा बनाएंगे। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने चीनी ले ली है, ये देसी घी उसको सेकने के लिए, और ये मैंने एक आटे की बॉल ले ली है। आइए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हम सबसे पहले इसको बेलेंगे और ये बच्चों को काफी पसंद आता है, मेरी बेटी को तो काफी ये पसंद है, तो आज मैं उसकी चॉइस का ये चीनी का पराठा बना रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे उनको भी बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आप ये बॉल को बेल लें। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बॉल को बेल के इतनी बड़ी एक छोटी सी रोटी टाइप बना ली है। अब मैं इसके अंदर ये चीनी रख दूंगी। ये देखिए मैंने एक चम्मच चीनी यूज की है, क्योंकि ज्यादा हम चीनी लेंगे तो पराठा फट जाएगा हमारा, और चीनी जहां तक हो आपकी बारीक वाली हो तो पराठा फटेगा। और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए तरीके से इसको बंद कर रही हूँ और थोड़ा सा हाथ से इसको गोल कर लूंगी। ये देखिए आप, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी। ये देखिए कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है, और इसको मैं बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है कि ये चीनी हमारी बाहर ना आए पराठे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये पराठा बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैं इसको प्लेट में रख दे रही हूँ, और फिर एक मैं बॉल ले रही हूँ आटे की। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आटे की बॉल ले रही हूँ, और ये आप इस तरीके से गोल ले लें, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी मैं। ये देखिए, और फिर इसी तरीके से मैं इसको बेलूंगी, यानी थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगी मैं। ये देखिए, ये देखिए ये मैंने इसको बेल लिया है, और ये देखिए मैं फिर इसके अंदर ये एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चों को मीठा ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर ये की लोई थोड़ी आप मोटी ले लें फिर, कि जिससे चीनी आटे में से फटके बाहर ना निकले। और देखिए फिर इस तरीके से इसको गोल कर दें। ये देखिए मैंने इस तरीके से गोल कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाऊंगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया, और फिर मैं इसको बेलूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पराठा भी बनके बिल्कुल तैयार है, और बस आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें। ये देखिए ये बनके तैयार है, और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। आइए अब इसको सेकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने एक तवा ले लिया है। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और इसको गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये पराठा रख दूंगी, और इसको बिल्कुल मीडियम आंच में सेकूंगी, यानी फ्लेम कम मीडियम रखूंगी मैं गैस का। फ्रेंड्स ये देखिए, नीचे से सेक चुका है पराठा। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको पलट रही हूँ, और अब इसके ऊपर मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। ये देखिए देखिए, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा टेस्टी और हेल्दी होना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से लगा दिया है, और मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी, और इसी तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी। और हमें इसको ज्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का हल्का ही इसको सेकना है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसको वापस से पलट दे रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। हमें इसको ज्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो इसमें से चीनी निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से मैं अपना अब दूसरा पराठा सेकूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपना अब ये दूसरा पराठा डाल दिया है मैंने, और गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसको भी इस तरीके से पलट रही हूँ, और इसके ऊपर भी मैं ये घी लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर घी लगा दिया है, और वापस से इसको पलट दूंगी। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर भी इसी तरीके से घी लगा दूंगी। ये देखिए, और इसको भी इसी तरीके से पलट दूंगी।
फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसको इस तरीके से पलट रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके इस तरफ से अच्छा तरीके से सिक गया ये। अब वापस से मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी, ये देखिए दोनों तरफ से सिक चुका है, पर इसको हमें ज्यादा नहीं सेकना है नहीं तो चीनी कड़क हो जाएगी और ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बिल्कुल हमें इसको लाइट सेकना है। ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सिक चुका है और ये मेरे पराठे बनके रेडी है। तो अब मैं इनको सर्व करूंगी और गैस का फ्लेम बंद करूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चीनी का पराठा बनके बिल्कुल रेडी है और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज प्लीज आप एक बार और जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरे पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।